हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बैटरी स्टाइल के बारे में, जैसे कि हम बैटरी स्टाइल सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर जाना है। नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दोबारा से स्टेटस बार पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी स्टाइल जो है हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा, लूप में आ जाएगा। डू नोट शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैटरी स्टाइल को रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से बैटरी परसेंटेज है। बैटरी परसेंटेज को भी आप इनसाइड बैटरी आइकन रखना चाहते हैं, यानी कि अंदर की साइड, आउटसाइड रखना चाहते हैं तो आउटसाइड रख लीजिए। डू नॉट शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से नोटिफिकेशन आइकन है, नोटिफिकेशन आइकन को भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। और नंबरिंग में रखना चाहते हैं तो नंबरिंग में रखना चाहते हैं, जैसे कि 100 नंबरिंग है और यहाँ पर डू नॉट शो है तो इस पर क्लिक कर दीजिए अगर आपको शो नहीं करना है। और इसमें और भी सेटिंग्स हैं जिसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।